अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिशेल खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, जिंदगी कीमती है इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना और इसको ऐसे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पर फर्ज भी है बहसीयत इंसान और बहसीयत अशफुल मखलूकात। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेफ्टी टिप ऑफ द डे आज हम आपको जो दे रहे हैं वो एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है जिससे आप मुस्तफीद भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेफ रह सकें और अपनी जानों को महफूज रख सकें। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो मेन फोकस है वो एस है, एस वर्ड। नाज़रीन, एस वर्ड हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हर टाइम पे हमारे इर्द गिर्द मौजूद होता है। सबसे पहले तो हम एस से सेफ्टी को कहेंगे, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी ऑलवेज। नंबर टू, एस का कौन सा रोल है जो हमारी लाइफ में डेली इस्तेमाल होता है, दैट इज स्टेपिंग। यानी कि स्टेपिंग जो है हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखें, हम जब सुबह उठते हैं तो हम उठ के चल के हम फ्रेश होने जाते हैं, हम चल के नाश्ता करने जाते हैं, हम चल के दफ्तर जा रहे होते हैं, हम चल के गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, हम चल के पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, हम चल के तफरी गांव में जा रहे होते हैं। तो हम कितनी चीजें जो हैं अपने इन जो फुट स्टेप्स हैं इनके जरिए कर रहे होते हैं। तो स्टेपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। और जैसे कि ये चाइनीज एक सेइंग है जो मैंने लिखी हुई है आपको वो सुनाते हैं कि 1000 miles जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप। यानी कि स्टेप आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। किसी भी चीज़ में आप उसको जब स्टेप उठाते हैं तो जाहिर है आप देख के उठाते हैं, कोई करियर है उसमें भी, तो ये एक मिसाल थी। इसी तरह नाज़रीन, आप देखें जब छोटा बच्चा चलने लगता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं कि हमारा बेटा चलने लग गया, यानी कि वो पहला कदम उसने रखा है। तो कदम की कितनी अहमियत है नाज़रीन। इसी पैराहे में हम आपको अगर स्टेपिंग के हैज़र्ड्स के बारे में बताएं कि स्टेपिंग हैज़र्ड्स में कौन से दो बड़े हैज़र्ड्स हैं जो आपको जो है ना आपके साथ हर टाइम पे खतरा की तरह मंडरा रहे होते हैं, उसमें दो चीजें हैं, एक स्लिपिंग हैज़र्ड है और दूसरा ट्रिपिंग हैज़र्ड है। नाज़रीन, स्टेपिंग में स्लिपिंग हैज़र्ड आमतौर पर बहुत से हमने इस तरह के हादसात देखे हैं जिसमें लोग स्लिप हुए हैं, वॉशरूम्स में बहुत से इंसिडेंट्स इस तरह हुए कि लोग वॉशरूम्स में गिर के उनको जो है ना हेड इंजरी हुई, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, बजाय वो नॉर्मल लगे बंदे की कुछ ही सेकंड में डेथ हो गई। तो नाज़रीन, इसकी वजूहात क्या हैं? स्लिपिंग हैज़र्ड्स वो हैज़र्ड्स हैं जो स्लिपरी सरफेस की वजह से होते हैं। नाज़रीन, वॉशरूम्स में आमतौर पर लोग जो है, ये ख़वातीन के लिए भी है, लेडीज के लिए जो घरों पे हैं उनको भी जो है इस तरह की आगाही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिलीज हैं, आपके छोटे बच्चे हैं जो वॉशरूम में जाते हैं। इसी तरह जो लोग दफ्तरों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्लिपरी टाइप्स जो हैं वो वॉशरूम्स में मत लगाएं सरफेस पे, जो नीचे आपका फ्लोर है। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह यह कि ये स्लिपिंग हैज़र्ड्स हैं जो ग्लॉसी और स्लिपरी टाइप्स होती हैं, इतनी डेंजरस होती हैं कि खुदा ना खासा जब ये गीली हों तब स्लिप हों तो ये इतने शदीद तरीके से आपको इससे आपको नुकसान हो सकता है, चोट आ सकती है, आप जख्मी हो सकते हैं और ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन, स्लिपिंग हैज़र्ड्स देयर आर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, देयर मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना एनवायरमेंट्स हैं जो स्लिपरी होती हैं। कोई मडी एरिया होता है, मडी सरफेस होता है, कोई स्लिपरी टाइल्स होती हैं, देर आर डिफरेंट। अगर आप बर्फ में चले जाएं तो स्नो भी स्लिपरी सरफेस बन जाती है, उसमें तो गाड़ियां भी स्लिप हो जाती हैं। तो नाज़रीन, स्टेपिंग में स्लिपिंग हैज़र्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैज़र्ड दैट यू शुड नो एज इंडिविजुअल, एज ग्रुप, एज टीम्स, दैट दिस कैन लीड टू सम सीरियस स्टफ। तो हॉस्पिटल जाने और अवॉइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना अपना कोई हाथ या पांव फ्रैक्चर ना करवा लें, और क्योंकि डॉक्टरों का तो आपको पता है वो तो फिर आपको पट्टी कर दें। तो नाज़रीन, ऑन द लाइटर साइड, मेक श्योर कि इसकी सेफ्टी आप करें। दूसरा जो है वो हमारा हैज़र्ड है वो ट्रिपिंग हैज़र्ड है। ट्रिपिंग हैज़र्ड जो है ये भी एक बड़ा खौफनाक किस्म का हैज़र्ड है जो आपके सर पर हर टाइम पर मंडरा रहा होता है जब आप चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। और आमतौर पर जो एजेड लोग हैं वो इससे ज़्यादा जो है ना एक्सपोज होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऊपर देख के चल रहे होते हैं, अक्सर की वो जो विजन है वो ज़रा वीक होती है। तो सरफेस पर जब हम चलते हैं तो उसमें अगर कोई ट्रिपिंग हैज़र्ड आ जाए, कोई ठोकर जिसे हम उर्दू में कहते हैं लग जाए, तो उससे गिर के मुँह के बल भी आप गिर सकते हैं। अगर बंदा ज़रा भारी हो तो अक्सर मैंने देखा लोगों की पेल्विस बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। अगर आपके हाथ के बल गिरे हैं तो आपका बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, ये जो आपके जॉइंट्स हैं ये फ्रैक्चर होने से बड़े डेंजरस होते हैं। तो नाज़रीन, मेक श्योर करें इसके बारे में आप जो है ना अवेयर रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये जो सेगमेंट था
स्टेपिंग का और स्लिपरी और ट्रिपिंग हैजर्ड का इसे आप मुस्तफीद हुए होंगे। अगर इन वीडियोस को शेयर भी करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हो सकें और अपने आप को सेफ रह सकें। नाज़रीन अपने और अपने गिरदरमा का बहुत ख्याल रखें। मिशेल खान को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेहतर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।